ओम शांति मोहिनी बहन, मेरी आवाज पहुंच शांति रही है? हाँ जी, ओम शांति। खुशी और हर्ष हो रहा है कि काफी समय से ये संकल्प था कि बोरीवली सब जोन के लिए आपका क्लास हो, और आज वो दिन आया है कि जो आप अमेरिका में हैं, हम इंडिया में हैं, लेकिन फिर भी कमाल कहें बाबा की, साइंस की, कि आप वहाँ बैठे भी हम सब से यहाँ मुलाकात हो रही है, और आपके चिंतन का, आपके अनुभवों का सभी भाई बहनें उनसे लाभान्वित होंगे, और इसलिए बोरीवली प्रभु उपवन का परिवार और सब जोन आपका वेलकम करते हैं और हार्टली वेलकम करते हैं आपका। ताली बजाओ। और आपके चिंतन को और आपके अनुभवों को सुनने की बहुत ही जिज्ञासा है। तालावेली कहते हैं, अर्थात इतनी चातुरता है, क्योंकि मुझे आपका चिंतन, आपके क्लासेस शुरू से ही मुझे बहुत ही पसंद आता है। और मैं कविता बहन को कहूंगी कि आपका इंट्रोडक्शन है, वो कविता बहन देंगे। ओम शांति दीदी, ओम हमारी तो शांति। इवनिंग है लेकिन आपके लिए गुड मॉर्निंग है, तो आपको वॉर्म गुड मॉर्निंग। और बहुत खुशी है कि आज हम सभी के बीच बाबा के एक ऐसे अनन्य रत्न, जो साकार बाबा मम्मा की पालना लिए हुए यज्ञ के अति पुराने एक आदर्श आधार स्तंभ, ऐसे आदरणीय मोहिनी दीदी मौजूद हैं। आपने 1958 से ही बाबा का ज्ञान प्राप्त किया, और तब से लेकर अब तक की जो एक अलौकिक जर्नी रही है इतने वर्षों की, तो इस जर्नी के दौरान वर्तमान समय आप जो अमेरिकाज और कैरिबियन की बाबा की सेवाएं हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और टोटल कैरिबियन, उन सभी की सेवाओं को दीदी आप संभाल रही हैं। और जैसे बहन ने भी कहा कि आपके विचार, आपका चिंतन बहुत ही प्रेरणादायी रहता है, और इसी प्रेरणाओं को वर्तमान समय अनुसार जो आपने टॉपिक दिया है, ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कहें कि एक तरफ जहाँ विश्व में चारों ओर हलचल का माहौल है, ऐसे में बाबा के बच्चों को ज़रूर ये गाइडेंस चाहिए कि हमारी स्थिति को हम एक रस कैसे बनाएं, अचल अडोल कैसे बनाएं। तो इसीलिए आपकी मूरत से हम वो स्थिति का दर्शन तो कर ही रहे हैं, और आपसे ये अनुरोध है कि अभी आप हमें अपने ज्ञान रत्नों के द्वारा इस विषय के ऊपर प्रकाश डालें, मोहिनी दीदी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है और ये संकल्प आ रहा है कि आप लोगों ने मुझे बहुत बार निमंत्रण दिया कि आप बॉम्बे आइए और सभी से मिलें, लेकिन अब तो ड्रामा ही कहेंगे कि साकार में तो नहीं हो सका, लेकिन आज हम जूम के द्वारा वहाँ पर पहुँचे और आपने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की संतुष्ट मणि प्रसन्नचित बेगमपुर के बादशाह बच्चों को, बाबा तो रोज ही हम बच्चों को हमारी स्वस्थ स्मृति कि हम क्या थे क्या बन रहे हैं इसकी स्मृति दिलाते रहते हैं, और हम इस स्मृति की सामर्थ्य के आधार से आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है
हमारी मंजिल है वहाँ तक हम बहुत समय ही पहुँच गए हैं। सबको ऐसा लगता होगा ना कि समय ही पहुँच गए हैं। बाहर परिस्थितियां देखें सारे विश्व में, तो परिस्थितियों में तो बहुत तरह का भय, बहुत अनसर्टेनिटी, क्या होगा कैसे होगा, चिंता, एंजाइटी तो इतनी है। तो उस सब का वातावरण, लेकिन हम बाबा के बच्चे हर प्रकार से, पहले पहले तो मानसिक रूप से, क्योंकि अचल जो स्थिति है इसका मतलब जो मन में क्या होगा कैसे होगा, कई पूछते हैं धन का क्या करें, कई पूछते हैं बाबा के सेवा केंद्रों का भविष्य क्या है, इस तरह के प्रश्न न केवल लौकिक लोगों के मन में, लेकिन अपने परिवार, बाबा के परिवार में भी इस तरह के संकल्प आते हैं। तो अगर ये संकल्प आते हैं तो मन में हलचल होती है, क्या होगा, ये बहुत बड़ी हलचल है, फिर ये क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो बाबा के महावाक्य स्मृति में भी रखें, परंतु उसके साथ साथ आज की स्थिति अनुसार, आज के हमारे आध्यात्मिक पुरुषार्थ अनुसार, हमको क्या मर्ज करना है, क्या इमर्ज करना है, क्या समाते रहो, पास्ट हो गया और पास्ट को इमर्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा ने क्या अभ्यास दिया है उसको बार बार करना, अपने संस्कारों को, भविष्य संस्कारों को इमर्ज करते हैं हम। तो क्या होगा कैसे होगा उसका, तो बाबा ने कहा जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप में से कोई एक भी मेरे को हाथ खड़ा करके कहे मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जो समझते हैं बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ वो हाथ खड़ा करें, अच्छा हो रहा है तो आगे और अच्छा होगा तो भी हाथ खड़ा करो, और अच्छा होगा। नहीं, ये बाबा के महावाक्य हैं और इसकी स्मृति की जो समर्थी है उससे हमारी स्थिति न केवल निस्संकल्प पर शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, शुद्ध भी हो संकल्प, क्योंकि हमको तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, अभी शुभ है तो सदा जिसको हमेशा शुभ सोचो, कभी भी भूल से भी किसी कारण से भी जो संशय है वो अशुभ है। ये घर से कोई निकल रहा होता है और ये सोच रहा है पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं, मैं जिसके लिए जा रहा हूं ऐसा होगा कि नहीं, संशय है, ये अशुभ है। और इस संकल्प से आप जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उससे आपकी जो सफलता की सामर्थ्य है वो कम हो जाती है, आपकी जो दृढ़ता की शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ये वर्तमान समय पर वो निस्संकल्प स्थिति की बाद में बात करेंगे, पर अभी समय है हर संकल्प शुभ हो। तो जो ऑस्पिशियस संकल्प होता है ना, शुभ संकल्प होता है, संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है। और ये भी संकल्प
बाबा के महावाक्यों की स्मृति की सामर्थ्य से शुभ संकल्प है। तो सामर्थ्य का मतलब कैपेसिटी, पावर, पावर है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर संकल्प है। मुझे बाबा 18 जनवरी बाबा ने जब अव्यक्त हुए तो एक शब्द मेरे मन में अब तब से रह गया है, बाबा आप बच्चों को स्मृति की सामर्थ्य दे रहे हैं। तब से मैं अनुभव करती हूँ कि स्मृति मतलब से संकल्प, उसकी जो सामर्थ्य है, जो मैंने कहा सामर्थ्य मतलब शक्ति भी है एंड पावर टू डू इट, नो करने की शक्ति है, उसको सामर्थ्य कहते हैं, कैपेसिटी कि हम कर सकते हैं। तो कभी भी संशय और फिर श्रेष्ठ कार्य करना, या उसने आपने 80% तो पहले ही लूज कर दिया। तो इसलिए कोई भी क्या होगा कि नहीं होगा ये संकल्प नहीं रखो, बहुत अच्छा होगा, जरूर होगा, ठीक हो जाएगा। एक बार हमारे पास यहाँ पर दादी आई, दोनों दादियाँ थी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था। लेकिन आपको मालूम है कि बड़े प्रोग्राम होते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता तो होनी है, लेकिन कई बार कोई ना कोई परीक्षाएं भी आती हैं, वो भी अच्छा होता है, उसमें भी सेवा ही होती है। तो कोई ऐसी बड़ा कोई परीक्षा थी तो हमने कहा चलो दादी हैं अभी न्यूयॉर्क में, 2 दिन पहले आ गए थे कि आराम करेंगे, तो हमने कहा उनको वॉशिंगटन भेज देते हैं, थोड़ा देख भी लेंगे वॉशिंगटन में और छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर लेंगे। तो जब वो जा रही थी तो उन दिनों में प्लेन में जब चढ़ते थे तो गेट तक जाने देते थे, मतलब जहाँ से एंटर करते हैं, तो मैं भी गई साथ में। मैंने कहा दादी थोड़ा थोड़ा सा ऐसी कोई भी एक है परीक्षा है, नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ओके हो जाएगा, ऐसे 4-5 बार दोनों बोली और प्लेन में चली गई। और मैंने उसको वरदान की तरह ले लिया। मैं सेंटर पर वापस आई तो बहुत बड़ा एक ग्रुप बना हुआ था, टीम थी, सवेरे के 9 बजे थे तो सारी टीम के साथ बैठे थे, सभी बैठे थे, तो मैं गई, मैंने कहा दादियों ने कहा सब ठीक हो जाएगा, ओके है, अभी आप लोग अपना काम शुरू करो जो करना है। तो एक अच्छा सिंगर चाहिए था, एक स्टेज के लिए जो कुछ भी तैयारी करनी थी, अच्छा माइक किए, वो उस समय पर वो बहुत पैसे मांग रहे थे, हम लोग तो कितने पैसे कोई लोगों से तो लेते नहीं है, और नए नए थे हम लोग अमेरिका में, 86 की बात है। तो मैंने कहा दादियों ने कहा सब ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा चलो हम पहला फोन जो है दो चार नाम निकाले, इन सिंगर्स को फोन करते हैं क्योंकि ऐसा सिंगर हो जिसके नाम से भी लोग आते हैं जनता। 10,000 का हॉल था बड़ा, 10,000 की कैपेसिटी थी, तो हमारा एम था कि 10,000 तक इकट्ठे करेंगे लोग हम, तो अच्छा सिंगर होगा तो जनता को आकर्षण होगा। तो सिंगर को फोन किया, बोला कितना है आपका चार्ज, तो उसमें डिटेल में ना जाके तो बहनों ने कहा कि देखो हम न किसी को देते हैं ना हम किसी से लेते हैं, 10,000 का प्रोग्राम है, हमने टिकट नहीं रखी है, अगर टिकट के पैसे आते तो हम आपको दे देते। तो कहता है मैंने ऐसा तो सुना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर तो कितना खर्चा लेते हैं ना। तो ऐसे ही उस बहन ने कहा कि देखो हमारी ये पॉलिसी है, हमारा ये प्रिंस, हमारा ये सिद्धांत है इस संस्था का कि हम न देते हैं पैसे, हम न लेते हैं, न चार्ज करते हैं, न देते हैं। तो पता नहीं क्यों उसको क्या दिल में लगा, कहते ऐसी बात तो पहले न सुनी है,
और वो भी आपने 10,000 का हॉल लिया है। तो मैंने कहा ऐसे बस करते, हाँ मैं गाऊंगा गीत। तो वो गीत इतना प्रसिद्ध है, यज्ञ में भी इंग्लिश में यूज करते हैं, वी आर वन फैमिली, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये गीत वही वही गाने वाला है, उसी का बना हुआ था, नया नया था, 86 में बना था। उसने कहा मैं आऊंगा और मैं गाऊंगा, बहुत बैंड बाजे वाला ग्रुप नहीं लेके आऊंगा वो। मैंने कहा कोई फायदा, कोई जरूरत नहीं, थोड़े ही लोग लेके आना। उसके बाद जो फोन हमने किया, सबने हाँ किया। ये सामर्थ्य है दादियों के शब्दों की, क्योंकि उनको बाबा के महावाक्य याद है कि बच्चे सब ठीक हो जाएगा। देखो विश्वास की बात है, इसमें निश्चय नहीं। निश्चय तो बुद्धि से हमेशा होता है, पर दिल का विश्वास नहीं होता है। तो दिल अंदर में हलचल करता रहता है, बुद्धि तो चलो ठीक है भाई, मुझे बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, मुझे हर बात पे निश्चय है, लेकिन विश्वास। तो कहने का भाव ये है कि बाबा के महावाक्यों की स्मृति की समर्थी से अगर हम अपनी जीवन में संकल्प रूपी कदम, पहला संकल्प का कदम है, फिर कर्म है, तो संकल्प का कदम श्रेष्ठ रूप से निस्वार्थ भाव से उठाते हैं, तो सफलता तो न केवल सफलता होती है, लेकिन अंदर कोई भी हलचल होना ये गुड ओमेंस नहीं है। अपने ऊपर खुद हम अच्छी दशा नहीं बिठा रहे हैं। तो अगर डर रखना भी है कि मैं अशुभ न सोचूं, और कोई बात का डर नहीं है, और वो भी डर क्यों रखे, हम निश्चय रखें, ऐसी भावना रखें। और अगर मेरे सामने आज यहाँ पर, आपको पता है इन भारत में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत ही कुछ हो रहा है, हम उन परिस्थितियों में नहीं जाते, लेकिन सभी जगह वर्ल्ड में ही हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी थोड़े देश इन्वॉल्व थे, लेकिन इस वायरस में तो सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। उससे आर्थिक व्यवस्था देखो, लोगों की मानसिक अवस्था देखो, बहुत ही जिसको उलझन कहें। अभी यहाँ स्कूल खुलने शुरू हुए हैं, माँ बाप पूछते हैं, किसी को नहीं पता है कि भविष्य क्या है, सब कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन में, हाँ कंफ्यूजन में। आप सोचिए कंफ्यूजन में जो हाँ नहीं हो रहा होगा उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अपने अंदर हम सभी को एक भी संकल्प से हलचल नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने तो ब्रह्मा बाबा, कितने बाबा ने जब से शुरू किया, मैं बाबा के पास आई 58 में, और उसके बीच में भी मुख्य मुख्य जो घटनाएं हुई, मैंने देखा कि बाबा इतना अचल, अचल का मतलब जैसे बाबा एकदम, हाँ जो ये हमने स्तंभ बनाया ना, शांति स्तंभ, ये उनको देख करके जब बाबा अव्यक्त हुए तो जगदीश भाई हम सब बैठे, तो हम सबने यही कहा कि बाबा एकदम टावर की तरह, जैसे लाइट हाउस होता है ना समुद्र में, बॉम्बे का है लाइट हाउस, राइट, दो ताज होटल के सामने है, मैं भी कई बार वहां खड़ी होके देखती, इतने जोर जोर से टावर को वेव्स आती हैं, लहरें लगती हैं, परंतु लाइट चलती रहती है, सर्च लाइट, और टावर कितना स्टेबल रहता है, राइट। तो ब्रह्मा बाबा का हमने प्रैक्टिकल में वो स्वरूप देखा, कितनी भी बात परिस्थिति भारी है, हलचल वाली है, बाबा के कमरे में गोल तकिया आप लोगों ने देखा है,
तो बाबा जब दिल्ली में आते थे तो भी हम ऐसा तकिया बनाते थे। तो बाबा जब भी जाओ रात को भी कभी ऐसी परिस्थिति, तो बाबा उस तकिए के ऊपर ऐसे बैठा होता था। हम लोगों को दो दृश्य दिखाई देते थे, एक तो खैर जो बाबा स्टेबल था, परंतु वो ऐसे बैठा होता था कि जैसे श्री कृष्ण अपनी बड़े मौज में बेफिक्र उस गोल तकिए के ऊपर ऐसे बाबा बैठे होते थे। मेरी आंखों के सामने तो वो कभी दृश्य भूलता ही नहीं है, और वो ही अभी तो मुझे इतनी बार बात बात में ब्रह्मा बाबा की याद आती है कि हमारे बाबा जिनके ऊपर सबकी जिम्मेवारी थी, वो किस तरह से हलचल में नहीं आए। समझा, मतलब कि मन चलाए मन न हो, ये सबको है भी पक्का और पक्का करना है। दूसरा होता है डोलना, अडोल। अचल है ये मानसिक स्थिति का, तो क्या हो जाता है कि बहुत ही थोड़ा भी कम ध्यान देते हैं तो एकाग्रता कम हो जाती है। तो जो एकाग्र चित्त होना चाहिए मनुष्य का जीवन, शांत चित्त होना चाहिए हम सबका जीवन, तो अंदर वो शांति नहीं रहती, हलचल है। और जो एकाग्रता की आजकल जरूरत है हर बात का निर्णय करने के लिए, बाबा से योग लगाने के लिए, हर बात को बुद्धि में स्पष्ट रखने के लिए एकाग्रता बहुत चाहिए आजकल, क्योंकि जो वातावरण का सूक्ष्म प्रभाव है। कई बार मैं बाबा को आजकल जब भोग लगा, बाबा कहते हैं बच्चे जो बाहर की एनर्जी है उसमें डर, चिंता, भय, कई तरह के लोग, कई तरह का बहुत कुछ, उस वातावरण की जो एनर्जी है ना, जैसे आग जल रही है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कैलिफोर्निया में आग है, बहुत आग है। तो बहने कहती हैं कि बाहर जो आसमान है वो एकदम रेड कलर का, टमाटर की तरह। खैर चंद्रू बहन तो हंस रही थी, बोलने लगी मोहिनी बहन परम धाम के नजदीक बैठे हैं, वहां का रंग ऐसा होता है। तो हमारी बहने तो कहते हैं ना परिस्थिति भी खेल है, लेकिन वो तो ठीक है, पर उसका जो धुआं है, स्मोक है, अभी आप खिड़कियां बंद करेंगे तो धुआं तो फिर भी आएगा ना। तो सबसे ज्यादा जो सबको फिगर है कि उसका धुआं अगर वो अपनी सांस में लेते हैं तो लंग्स पर इफेक्ट आता है, और बहुतों को, और वो भी फायर कोई छोटी मोटी नहीं है, सियाटल, और मतलब काफी 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 मिलियंस ऑफ एकर्स जल रहा है। ये एक तरफ परिस्थिति है प्राकृतिक आपदा की, वायरस का अलग है। तो कहने का भाव ये कि मन में, यहाँ मन हिलता है। अब इन परिस्थितियों का बाबा ने ये कहा कि ये जो एनर्जी है जिस तरह की, भय की और चिंता की, उसका बड़ा सूक्ष्म में, जैसे बाहर की परिस्थितियों का जो स्मोक है वो किसी भी मनुष्य की आत्मा के अंदर, बाबा के बच्चों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो है ना चारों तरफ। तो उस एनर्जी से हम लोग कैसे बचे रहें, हमारे तक उस एनर्जी का इन्फ्लुएंस ना हो। अभी हमने सभी विदेश के सेंटर्स को भी ये संदेश भेजा, तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी दो तरीके से, अपनी सेफ्टी के लिए और फिर सेवा, सकाश के लिए, डबल चाहिए ना। मेरे को अपने लिए भी सकाश चाहिए, मुझे सकाश देना भी है। तो उस पर बाबा बहुत कहते थे कि जैसे प्योरिटी की एनर्जी है, अचल अडोल रहने की एनर्जी है, शांति की एनर्जी है, तो अपनी, जैसे जो आज बाबा फरिश्ते रूप की बात करते हैं ना, वो वर्तमान समय के लिए चाहिए।
मैं थोड़ा सा बीच में एक दो बार ड्रिल कराऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आजकल ये पांच श्लोकों की मैं बहुत ही बहुत प्रेम से हॉबी से ड्रिल करती हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आप हमको अभी वो इमर्ज करके अपना फरिश्ता फॉर्म, तो अंदर में अचल अचल और बाहर से अडोल, मतलब डोलना मतलब कि काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन, नीचे ऊपर नहीं होना। एक हलचल मानसिक है परंतु एक बाहर की परिस्थितियों में अडोल रहना, डोलना नहीं मतलब फ्लक्चुएट नहीं होना, नीचे ऊपर नहीं होना। तो चाहे वो मानसिक आप कहेंगे ठीक है मैं अचल रहती हूँ, पर ये जो बाहर से जो लहरें आएंगी वो टकराएंगी और टावर को मजबूत रहना पड़ेगा, वो अडोल अवस्था होती है। और वो लहरें हम रोक तो नहीं सकते, कौन समुद्र की लहरें रोकेगा? तो आज संसार सागर की लहरों को कोई नहीं रोक, हम लोग भी नहीं रोक सकते, बाबा भी कहता है ड्रामा, लेकिन मेरे को शेक नहीं होना। इसमें सिर्फ दृढ़ता और अडोलता, इसमें दृढ़ संकल्प की सिर्फ बात नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प से भी ऊपर स्थिति है, और वो है अपने फरिश्तेपन की स्थिति। यानी आपकी अपनी एनर्जी का एक इतना लेयर आपके चारों तरफ हो, अपना खुद ही इतना प्रकाशमय, नहीं जिस पर ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में भी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति आया, किसी ने उनको कहा था मारने के ख्याल से आया, तो उसके हाथ में स्वॉर्ड था, कुछ हथियार था। वो जब आया तो बाबा के कमरे में, तो उसने लाइट का स्वरूप देखा बाबा का, तो उसके हाथ से वो गिर गया, आवाज हुई सब आ गया। ये आपने पढ़ा होगा आदि देव में, दादियां भी बहुत सुनाती हैं। तो वो भागने लगा, मतलब कहने का कि किसी भी प्रकार से अपना जो फरिश्ता रूप है, लाइट रूप अगर हम इमर्ज रखते हैं, तो कोई भी प्रकार की लहरें टकराएंगी तो जरूर, पर हमको अडोल रहना है, लहरों से हमको अडोल रहना है। क्योंकि देखो अपने को क्या चाहिए, दाल रोटी चाहिए, राइट, दाल चावल चाहिए, आप लोग गुजराती होंगे तो कड़ी खिचड़ी चाहिए, क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना। अपनी बाबा ने लाइफ कितनी सिंपल कर दी है। और अगर भाग्य से बहुत कुछ है भी तो उसके ट्रस्टी बन के रहना है। अगर बाबा का है सब कुछ तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं कहीं कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए भी रहेगा और सफल भी कर सकेंगे। मैं सबको कहती हूं अगर कोई भी चीज आपकी है तो वो रावण की है, तो ये हमारी चॉइस है, ट्रस्टी पूरे ट्रस्टी बन के, मतलब कि धन का सदुपयोगी होता रहे। भाग्य से देखो मेहनत तो सब करते हैं, किसी को भाग्य से ज्यादा मिलता है। हमारी दादी जान की हमेशा सबको कहती है पैसा तो जनता से आता है और जनता के लिए जाना चाहिए, पैसा तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, कमाता है तो कमाते ही हैं, तो कहाँ से आता है, लोगों से आता है, तो जाए सेवा में ही लगना है। तो जब पूरे ट्रस्टी हैं, सब कुछ बाबा का है, मैं आपको अपने अनुभव से सुनाती हूँ, हमारे पास तो खैर कुछ भी उस तरह से नहीं है, कन्याएं हैं तो कुछ लेके भी नहीं आए बाबा के पास, पर जो भी हमारी भावना के निमित्त, अपनी सेवाओं के निमित्त, अपने जहाँ भी रहते हैं, कारोबार तो बहुत बड़ा चलता ही है, पर मैंने देखा है कि अगर हम पूरे ट्रस्टी हैं, मैं पूरा तरह से
बाबा का है, अंदर में थोड़ा भी ये नहीं कि ये तो मेरा है, मेरे प्रति आया था, सब बाबा का भंडार है, बाबा का खजाना है, कभी भी एक सेंट भी खोएंगे नहीं, लॉस नहीं होता। अगर कुछ खो रहा होता है वो भी कभी नहीं होता। एग्जाम्पल्स तो क्या दें, लेकिन बहुत अनुभव किए जब शुरू शुरू में अमेरिका में आए, मतलब कितनी तरह की हमारे सामने बातें आई, परंतु मुझे कभी भी ऐसा नहीं मैं कह सकती कि किसी भी तरह का धोखा, किसी भी तरह का लॉस कभी नहीं हुआ, कभी भी। इतने लोग हिंसा की बात करते हैं पर कभी किसी ने दृष्टि उठा के भी नहीं देखा। तो अडोल रहना, जब पार्टीशन हुआ था तो बाबा ने सबको कहा कि इतने देही अभिमानी बन जाओ। उस समय फरिश्ते की इतनी बात नहीं चलती थी लाइट रूप की, जो देही अभिमानी होगा उसकी तरफ कोई भी कुदृष्टि से देख नहीं सकेगा। इतने तक कि उनको जाते समय अन्न भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनका तो लॉस नहीं हुआ, सारी प्रॉपर्टीज बिकी। तो देखो यज्ञ की स्थापना में हम सभी यज्ञ के कार्य में निमित्त है, तो आदि देव बाबा को देख के कि उस समय जब ऐसी हालत थी तो बाबा का यज्ञ, बाबा के यज्ञ बस वो हर तरह से सेफ रहे। पर बाबा ने क्या कहा, अगर देही अभिमानी होंगे तो वर्तमान समय पर इस फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में अडोल भी रहेंगे और ट्रस्टी भी रहेंगे हर तरह से। अभी तीसरी बात आती है एक रस अवस्था। एक रस का मतलब निरंतर, और निरंतर का मतलब कोई गैप नहीं। इसका मतलब कि मैं आगे ही बढ़ती रहूं। आजकल 10-12 दिन से याद की यात्रा के ऊपर ही क्लासेस कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक सीरीज बनाई है, हर महीने डिफरेंट सीरीज चल रही है, अभी चल रही है याद की यात्रा। तो यहाँ तो शाम के टाइम होती है, हम लोग सभी देशों के लोग होते हैं 1200-1500, फिर यूट्यूब में डालते हैं, लाइव में भी देखते हैं बाद में भी, पर इंग्लिश में होती है। यहाँ ट्रांसलेशन देते हैं 6 लैंग्वेजेस में, लेकिन ट्रांसलेशन रिकॉर्ड नहीं होती है। तो याद की यात्रा निरंतर कैसे रहे, शांत स्वभाव निरंतर कैसे रहे। आज भी बाबा ने कहा बिल्कुल फोर्सफुल नहीं, किसी को, कोई कहते हैं फिर क्या किसी को करेक्शन नहीं देनी चाहिए, या करेक्शन शब्द ही क्यों लेते हो। हमारी मामा थी, कितनी जिम्मेवारी थी, इतने प्रेम से समझाती थी, और कभी भी ये नहीं कहती थी ये ठीक है नहीं है आपको ये करना नहीं। बच्चे बाबा कहता है ऐसे ऐसे करो, बाबा के महावाक्यों को रिपीट करके उनको बताती थी, ये नहीं कि मैं कह रही हूं। आज हम किसको कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ऐसा ठीक तुमने क्यों किया, ये भी एक सूक्ष्म में अपना अथॉरिटी का फोर्स हो जाता है ना, क्योंकि मैं कह सकती हूँ, पर दूसरा कोई कहे जो राइट पर्सन नहीं है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मामा, मुझे मामा की ये बात इतनी अच्छी लगती थी
बाबा की भी याद दिला दी, बाबा की शिक्षा की भी याद दिला दी, और मेरा भी कर्मों का हिसाब नहीं बना। देखो ये भी कर्मों का हिसाब है ना, किसी को दुख हो जाता है, थोड़ा फील हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सूक्ष्म में कर्मों का हिसाब बनता है ना। तो मामा सब कुछ समझाती थी, पर बाबा, देखो बाबा ने मुरली में ये कहा है ना बच्चे, पहले उसकी मामा की, फिर बाबा की शिक्षा दी, फिर एंड में उसने ही रियलाइज किया, बाबा मामा मैं नहीं करूंगा, मुझे चेंज होना चाहिए। हमारी दीदी मनमोहिनी थी, वो भी इसी तरह से समझाती थी। तो एक रस शांत, एक रस प्रेम, एक रस सब गुण रहे, एक रस स्थिति से ही तो फिर हम संपन्न बनेंगे ना। नहीं तो माइनस प्लस चलता रहे तो कोई हिसाब ही नहीं बनेगा, काफी माइनस प्लस करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कितना रह जाता है। अगर प्लस प्लस होता रहे, जिसको बाबा जमा खाता कहते हैं, चढ़ती कला कहते हैं, उड़ती कला, मतलब कि जमा हो रहा है, चाहे थोड़ा चाहे बहुत जमा हो रहा है, लेकिन माइनस नहीं हो रहा, उसी को संपन्नता कहेंगे ना। संपन्न का मतलब कंप्लीट भी है, संपन्न का मतलब प्रॉस्पेरिटी भी है, संपन्न का मतलब बरकत भी है। तो संपूर्ण और संपन्न, पहले संपन्न पर फिर परफेक्ट, पहले कंप्लीट फिर परफेक्ट, पर कंप्लीट अगर माइनस होता रहेगा तो एक रस। तो अभी ये लक्ष्य रख के ना, जो अभी थोड़े वर्ष और बाबा ने अच्छा टाइम दिया है, जो सभी लोग घर से काम कर रहे हैं या कम जाना पड़ता है, या हमारे हिसाब से तो बहुत फायदे हैं, तो उसका हम लाभ लें पूरा। और वो क्या लाभ लेंगे कि हम प्लस प्लस मतलब संपन्न, संपूर्ण स्थिति, और उस स्थिति से फिर जब हम सेवा करते हैं तो यज्ञ की सफलता कहो, यज्ञ की भी संपन्नता बहुत ही अच्छी तरह से होती है। मेरा इस समय यज्ञ के प्रति यही फर्ज बनता है कि मैं अपनी संपन्नता और संपूर्ण स्थिति से यज्ञ की सेवा करूं, ईश्वरी कार्य स्थापना के कार्य में। क्योंकि अब तो दिखाई पड़ रहा है ना कि नई दुनिया तो आनी ही है, उस कार्य को संपन्न करने के हम सभी नियमित हैं, पर उस स्थिति के आधार से ही होगा, सिर्फ बोलने के आधार से नहीं होगा। तो ये जो मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में आप लोगों को कहा ना कि इमर्ज करने की जरूरत है अभी, स्मृति, स्मृति से क्या होता है, स्मृति का मतलब ही इमर्ज करना है ना। ओ मुझे स्मृति आ गई, मुझे याद आ गया, एक बाबा की याद होती है, एक स्मृति है, वो मुझे एकदम ख्याल आ गया, मैंने कहीं आपको देखा है, स्मृति। तो स्मृति का मतलब इमर्ज करना। तो ये जो बाबा पांचों स्वरूपों का अभ्यास बताते हैं, हम तो रोज दिन में दो तीन बार बाबा खुद करा रहे हैं ना, जब वो चलाते हैं अब एक बाप दादा का, उसमें जो अनादि स्वरूप है ना वो आपको अचल बनाएगा। मैं तो दिन में कई बार, देखो कई तरह के संकल्प फिर निर्णय करना होता है, मतलब व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन कारोबार में भी तो होते ही ना। तो मैं निर्णय करने से पहले एक सेकेंड अपने को अनादि स्वरूप में ले जाती हूँ, जिसमें पास नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं, एकदम मन स्वच्छ। तो जो अनादि स्वरूप में अपने इटर्नल फॉर्म अनादि स्वरूप में लाते हैं ना, उसमें पवित्रता, प्रेम और शांति, परम धाम की स्थिति कहो, एकदम पवित्रता है, प्रेम है, शांति है।
तो उस स्थिति को आप जब इमर्ज करेंगे तो आपकी बुद्धि जो निर्णय करेगी, आपके मन में जो संकल्प आएंगे वो ओरिजिनल होंगे, प्री कंडीशन नहीं। मैंने इसके बारे में ये सुना है तो मैं निर्णय कर रही हूं क्योंकि मैंने कुछ सुना है, ये व्यक्ति ऐसा है तो मैंने निर्णय किया उस आधार पर। ये तो कर्मों का चक्कर चलता रहेगा, लेप छेप चलती रहेगी। जब आप अनादि स्वरूप में आते हैं ना तो आपकी बुद्धि पहले तो क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, फिर आप जो निर्णय करेंगे या मन में संकल्प करेंगे वो एकदम शुद्ध होगा, उससे फिर इमर्ज होता है आदि स्वरूप, मतलब देवताई स्वरूप। अनादि स्वरूप से आदि स्वरूप इमर्ज होना है ना, तो वो हमको प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि जब भी हम आदि स्वरूप में होके सोचते हैं तो हमारा सोच कितना दिव्य होता है, कितना भव्य होता है, कितना बेहद का होता है। तो आदि अनादि स्वरूप से फिर आदि स्वरूप इमर्ज हो, ये हमको हर बार दिन में कई बार, तो आपको खुद लगने लगेगा कि अभी स्वर्ग आया क्या आया। ये नहीं कि हमको नारे लगाने हैं कि स्वर्ग आया, लेकिन अपने को फील हो अभी कि हम बहुत समीप पहुंच रहे हैं, तो फीलिंग आनी चाहिए अभी अंदर में, हेवनली फीलिंग्स आनी चाहिए। तो वो अनादि स्वरूप, ये नहीं कि हमको फीलिंग्स इमर्ज करनी है, पर अनादि स्वरूप से वो आदि स्वरूप के संस्कार इमर्ज होंगे। आदि स्वरूप है देवता स्वरूप, राइट, जो हम आदि काल में थे, सत्युग में थे, और उसी में ही फिर अपने प्रति जो समान आता है, जिसको बाबा पूजनीय स्वरूप कहते हैं। एक तो पूजनीय स्वरूप मूर्तियों का है, एक हमारा अपना पूजनीय स्वरूप है। तो कई बार मैं आज में हंसी को मैं कहती हूँ कि देखो अपना देवता स्वरूप इमर्ज हुआ, तो खाना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, वो देवता ही होता जाएंगे ना अपने आप ही। हमारा व्यवहार कैसे है, कल परसों मैंने क्लास में कहा कि सत्युग की सबसे बड़ी विशेषता है स्नेह, प्रेम। प्रेम वो रास भी करते हैं, प्रेम में व्यवहार भी करते हैं, सबसे बड़ा गुण। और दूसरा हर्षित, जो प्रेम स्वरूप होता है वो हर्षित होता है कि मन में कुछ और आई नहीं। तो आदि स्वरूप, फिर उसके बाद पूजनीय स्वरूप जो है, तो कई समझते हैं कि मंदिर में जो हमारी यादगार थी, पर वो बननी तो अभी है ना पूजनीय स्वरूप, तो वो आपको खुद अनुभव होने लगेगा अंदर में कि अरे मैं तो वो, मेरा तो पूजनीय स्वरूप आदि स्वरूप इमर्ज हो रहा है। तो दिन में कई बार ऐसा लगने लगता है, अच्छा फिर बाहर तो पूजा बंद हो गई और अपनी भी तो नहीं करेंगे, लेकिन भावना अपने प्रति और अपने सभी के प्रति, ये भी पूजनीय स्वरूप आत्मा है। तो सबको जो सम्मान देना है वो नेचुरल, देखो ये सब नेचुरल होना चाहिए, सिर्फ बुद्धि से नहीं, और रियली नेचुरल लगने लगता है कि इतना स्नेह से हर एक को देखो, व्यवहार करो, क्योंकि सभी दैवी स्वरूप हैं, पूजनीय स्वरूप हो गए ना। और फिर उसके बाद जैसे आज सेवा हमको करनी है, किस रूप में, फरिश्ते रूप में, फरिश्ते रूप में सेवा करनी है, और साथ साथ अपनी ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन है, पवित्रता। आज भी बाबा की मुरली थी कि संकल्प से भी किसी भी तरह की, आजकल देखो पवित्रता में 5 विकार नहीं है, उनके अंश तो बहुत बड़े बड़े हैं ना,
तो वो याद की यात्रा में, योग अग्नि में, जो भी जिसको अलॉय कहो, रस्ट कहो, कोई डस्ट कहते हैं, इन्फ्लुएंस कहो, तो योग योग से उनको बस, इसलिए बाबा ने कहा ना कल परसों, योग बल से काम लो, योग बल से काम लो, मतलब मेरा ये काम हो जाए, मकान मिल जाए, उसके लिए योग करें कि अपने लिए करें? अपने लिए करेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा नहीं? तो ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन, आज बाबा ने कहा पवित्रता है तो सुख है, तो मैंने आज कहा सुख और खुशी में क्या फर्क है? खुश भी हो, बाबा ने कहा शांति भी हो और खुशी भी हो, तो सुख पहले का, ये जो अतींद्रिय सुख है ना अंदर का, फिर शांति, फिर खुशी। सुख चेहरे पे नहीं दिखता पर खुशी तो दिखती है ना। फिर बाबा ने संतुष्टता के ऊपर कहा। तो अभी समय हो रहा है, ऐसे तो देखो कितना ही कुछ अनुभव को हो, सबसे बड़ी बात तो मुझे एक बाबा की पार्टीशन का याद आया। फिर पिकेटिंग जब हो रही थी ना, बाबा ऊपर खड़ा होता था हर्षित एकदम, ये हमारे पास अगर इस तरह की बात हो तो हम लोग तो ऊपर नीचे ऊपर अंदर बाहर हलचल में आ जाए, और बाबा ऐसे ऊपर से देख रहा है। वो शुरू शुरू था, अभी ये भी नहीं कि बाबा को बहुत अनुभव हो चुका था, लेकिन बाबा का जो निश्चय था अडोल, निश्चय था वो अडोल था, तो स्थिति भी अडोल थी। और ये जो मैं तकिए वाली बात बता रही हूँ, दिल्ली में एक सिचुएशन आई थी, जब मैं वही थी तब मैंने देखा कि बाबा एकदम अडोल है। तो इसलिए हम अपने बाबा को इस साथ साथ ही निमित हैं ईश्वरी सेवा में, तो बाबा की स्थिति को देख, यज्ञ में किस किस प्रकार के परीक्षाएं कहो, विघ्न कहो, परीक्षा चैलेंजेस को आते हैं, परंतु वो आते हुए, तो एक बार मैंने बाबा से कही सब क्यों इतनी बातें आती, बाबा ने कहा अनुभव कराने के लिए, क्योंकि तभी तुम अनुभवी बनोगी। उसके बाद से आज तक मैं ये पूछती नहीं है क्यों हो रहा है ऐसा, बाबा ये नहीं, बाबा कहते अनुभव क्या सीखा मैंने और कैसे स्थिति रखी, समझा? तो अगर अभी आप लोग तैयार हैं तो 5 मिनट अभ्यास करते हैं और फिर समाप्त करेंगे। कुछ कहना है दिव्या बहन को? ओम शांति मोहिनी बहन। बहुत ही अच्छे ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव, और आपने जो बाबा से, ममा से जो शिक्षाएं और जो गुण उनमें थे, उसका बहुत अच्छी तरह से हमें स्पष्ट और क्लियर किया, और कैसे हर परिस्थिति के अंदर हमें अचल, अडोल और एकाग्र रहना है। और वर्तमान समय तो ये परिस्थितियां हैं, लेकिन आगे के लिए भी हमें अपने मन को ऐसे तैयार करना है। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत ही सुंदर आपने बताई, तो इससे काफी हमें प्रकाश मिला है, और बुरी बली सब उनके जूम पर और यहाँ यूट्यूब पर मिल करके 800 850 भाई बहनों ने बहुत ही अच्छा लाभ लिया है आपसे, और करीब 25 सेवा केंद्र की सभी बहनें भी जूम पर हैं, और हर सेंटर से 10-10 भाई बहनों को भी कहा था, तो सारे सेंटर से कुछ भाई बहने भी इसमें हैं, जिन्होंने
लाभ लिया, पौने 200 दिन पर है, कहते हैं कि उन्होंने भी आपको सन्मुख लिखा, आपकी स्थिति का भले आप दूर हैं लेकिन बाबा कहते हैं ये तेरा सेवा करता है। तो आपकी सूरत और मूर्त से जो बातें आपने कही वो प्रैक्टिकल में वो दिखाई देती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हमारी स्थिति को हर परिस्थिति में बना करके हमें रखना है। जो आगे मैंने कहा था कि बहुत समय की आज थी जो कि आज आपने पूरी की, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। और आप भी हमें थोड़ा मेडिटेशन कराएंगे जो आपने कहा था, रील कराएंगे, तो हम सभी योग में रहते हैं। आप लोग सभी इतने प्रेम से ध्यान से, प्रेम से और ध्यान से सुन रहे हैं, एक घंटा ऐसे लगा जैसे 10 मिनट हुए और ऐसे बैठे ही रहे, एक घंटा और भी बातें सुनाते रहे, लेकिन समय की तो हमेशा पाबंदी रखनी पड़ती है। और अभी हम लोग 5 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने सभी और संकल्पों से निर्वृत्त होते सबसे पहले अपने अनादि स्वरूप मैं एकात्मा देह की दुनिया से न्यारे पवित्र शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। न्यारी और प्रभु की प्यारी एक बीज रूप स्थिति मन बुद्धि शांत है, सब कुछ समाया हुआ है, अपने घर में निर्वाण धाम मुक्ति धाम कहीं अनादि स्वरूप से पवित्रता की दिव्यता शांति और प्रेम की मधुरता
दिव्यता और मधुरता सदा हर्षित दैवी गुणों से संपन्न आदि काल में इस प्रकार से पाठ आरंभ करती हूँ। यह दिव्य और संपन्न रूप विश्व में पूजनीय रूप एक सम्मान का स्वरूप है। वर्तमान समय बेहद की विश्व की सेवा के निमित्त मैं और बेरेपन से न्यारे सर्व बंधनों से मुक्त डबल लाइट स्थिति फरिश्ता स्वरूप हूँ। और वर्तमान समय पर इस ब्राह्मीण श्रेष्ठ जीवन की फाउंडेशन की मर्यादाएं सबका पालन करते हुए फिर से अपनी अनादि स्वरूप अपने घर की ओर यह मेरी रिटर्न जर्नी भी है और सारे कल्प की भी जर्नी है। अपने में सब कुछ इमर्ज करते हुए मैं अपनी ये रूहानी यात्रा संपन्न करती हूँ। सभी के प्रति यही शुभकामना शुभकामना और दिल की दुआएं कि हम सभी संगठित रूप में इस तरह से बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त संगठित रूप से ही रहे। ओम शांति ओम शांति। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आपने धैर्यता से ये प्रेम से ये सब सुना इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपने काफी समय हम सबके लिए निकाला और सबकी रूहानी पालना इतने दूर बैठे हुए भी
आपने की इस बदल। बाबा को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।